नमस्कार दोस्तों, एडवेंचर MLG यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और ये महीना है सावन का महीना, बाबा भोलेनाथ का महीना, तो हर हर महादेव। और अब आज का जो ब्लॉग है वो कावड़ ब्लॉग है। तो हमारे गांव में 6 कावड़ आई है, कुल 12 लोग थे। तो उस कावड़ ब्लॉग के साथ में शुरुआत करते हैं सावन महीने की। और कोशिश ये करूँगा कि इसके दो एपिसोड करूँ, मैं छोटे छोटे दो वीडियो बनाऊँ। अब देखते हैं दूसरा बनता है कि नहीं बनता है, एक में होता है तो बिल्कुल छोटे छोटे दो वीडियो होंगे होंगे। तो कीजिए एंजॉय वीडियो को देख के और लिख दीजिए कमेंट में हर हर महादेव। ये छोटी सी क्लिप है, इसको तो इग्नोर कीजिए दोस्तों, ये बीच में क्लिप ऐसी आ गई है थोड़ी सी। चलो हम शुरू करते हैं। तो ये है सभी कावड़ अपने गाँव की, और मैं एक एक का परिचय दूंगा। जो अभी वीडियो छोटा है, अगले वीडियो बना तो कोशिश करूंगा इस सबसे आपका इंटरव्यू करवाएं कि कैसा रहा उनका सफ़र, क्या क्या तकलीफें आई है। और ये सभी जो कावड़ हैं, कावड़ कई तरह की होती है, डाक कावड़, झूला कावड़, ये खड़ी कावड़ है। बहुत ही मुश्किल काम है भाई ये लोगों कि इस कावड़ के कुछ नियम जो मेरे को पता है वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें ये होता है कि दो लोग एक कावड़ उठाते हैं, और जहाँ से हरिद्वार से चलते हैं और हमारे यहाँ पर बालेश्वर धाम नीम का थाना चढ़ाएंगे, तब तक इसको नीचे नहीं रखते हैं। दो लोग होते हैं एक कावड़ के साथ में, तो एक लेके खड़ा रहेगा, दूसरा आराम करेगा, खाना खाएगा, जो भी उसकी नित्य क्रिया है वो करेगा, और उसके बाद में दूसरा ले लेगा। ये बाबा हीरामल जी का मंदिर है हमारे गाँव का, चारों तरफ के नज़ारे भी देखिए आपके, और ये मंदिर देखिए आप, छोटा सा मंदिर है। तो जय हो हीरामल बाबा जी की। अब पहुंचते हैं अपने घर, ये अपने घर पहुंच गए, और यहाँ पर केवल 5 मिनट की रिक्वेस्ट से रोका है इनको, क्योंकि जल्दी है, घर जाना है, बहुत सारे नियम कानून हैं। ये सभी भोले के भगत हैं जो कावड़ लेकर आए हैं। देखो छोटे बच्चे को भी कितना वो है। ये अपनी भी एक सेल्फी वीडियो के रूप में ले लेते हैं छोटी सी। तो छोटा सा ब्लॉग है, इसको प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।